नवरात्र के पहले दिन चौरी चौरा क्षेत्र के तरकुलहा मंदिर पहुंचेगी यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ। तैयारी अंतिम दौर में। चौरी चौरा क्षेत्र के मां तरकुलहा मंदिर पर नवरात्र के प्रथम दिन यूपी के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ नाथ के आगमन को लेकर शासन प्रशासन पूरी तरह चुस्त दुरुस्त है और तैयारियों का अमली जामा पहनाने में मस्त हो अंतिम रूप देने में लगे हैं। कार्यक्रम को देखते हुए गोरखपुर एसपी उत्तरी अरविंद कुमार पांडे, पुलिस क्षेत्राधिकारी चौरी चौरा सुमित शुक्ला, थानाध्यक्ष चौरी चौरा राजू सिंह, थानाध्यक्ष जगहा अनिल कुमार सिंह जहां पल पल का मौके पर मौजूद रह जायजा ले रहे हैं। वहीं सीडीओ डीपीआरओ उप जिलाधिकारी चौरी चौरा त्रिवेणी प्रसाद वर्मा सहित भाजपा के जिलाध्यक्ष जनार्दन तिवारी, जिला कोषाध्यक्ष गोरखपुर अजय कुमार सिंह टप्पू, जिला उपाध्यक्ष धनंजय सिंह कौशिक, मंडलाध्यक्ष सुभाष पासवान, प्रकाश चंद्र नन्हे, धर्मेंद्र जायसवाल मोनो मौजूद रहे। अनिल कुमार प्रदेश के सीएम का इस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? जी, ये पहले मुख्यमंत्री हैं महाराज जी, लोकिया तरकुलहा में पधार रहे हैं, कल पधारेंगे। और ये मंदिर जो है बहुत पुराना मंदिर था जो कि किसी का नजर नहीं गया आज तक। यहाँ 1857 से माता रानी का पूजा अर्चना होता है और पता नहीं कितनी सरकार आई और गई, लेकिन ये महाराज जी की ऐसी सरकार है जो कि पहली सरकार ऐसी है कि जो कि तरकुलहा देवी मंदिर को जो है सुंदरीकरण किया जा रहा है, स्मारक को बगल में सुंदरीकरण किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से एक चीज का और मांग करना चाहता हूं, जो मंदिर परिषद की जो जमीनें हैं वो जंगल और बंजर के खाते में पहले दर्ज थी, आज कुछ भूमाफियाओं द्वारा जो है आज जो है अपना नाम अंकित करवा के और यहाँ दुकानदारों को जो है मारा जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, गुंडई से जो है तानाशाह चला के पैसा अवैध तरीके से पैसा वसूला जाता है, उसको जो है महाराज जी फिर से जो है जंगल और बंजर के खाते में पुनः जो है आदेशित करके जो है दर्ज करवाएं और यहां ताकि दुकानदार जो है स्वतंत्र हो जाएं। जी, आपका नाम? हमारा नाम पवन चौहान है, यहां व्यापार मंडल अध्यक्ष हैं।